सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑस्मोस टेक्नोलॉजी में जो आपको कूपन कोड्स मिलते हैं 1200 रुपये का एक्टिवेट करने के बाद में, उसको आप यूज़ करके किस तरीके से यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप शॉपिंग कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे ऑस्मोस टेक्नोलॉजी में शॉपिंग करना कंपलसरी है या नहीं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल देखिए। अगर आप ऑस्मोस टेक्नोलॉजी में जुड़ चुके हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑस्मोस टेक्नोलॉजी में शॉपिंग करना कंपलसरी है या नहीं। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा कि ऑस्मोस टेक्नोलॉजी में शॉपिंग करना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप करते हो शॉपिंग तो अच्छा, नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो गाइस क्योंकि कंपनी ने कहीं भी ऑफिशियली ये नहीं लिखा है कि आपको शॉपिंग करना ही होगा, अदरवाइज आपका इनकम नहीं मिलेगा आपको, ऐसा कहीं पर भी कंपनी ने नहीं लिखा है। ठीक है, अपने वेबसाइट पे आप चेक करोगे ऐसा कोई भी मैसेज आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो है क्या होता है, अभी अक्सर बहुत सारे बाहर के मैसेज आते हैं जहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि आपको शॉपिंग कंपलसरी करना है, अदरवाइज आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो उस पर आपको बिलीव बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी मैसेज आप बाहर के देखते हो उनसे आपको पहले साइट पे वेरीफाई करना है कि साइट पर भी नोटिस पे वो मैसेज आ रहा है या नहीं। अगर वो आता है तभी वो सच माना जाएगा, अदरवाइज उसको जो वो न्यूज़ है वो फेक है। ठीक है, तो उस पर बिलीव मत किया कीजिए, यहाँ पर शॉपिंग करना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बताने जाऊँगा कि यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करने की कोशिश करो एंड साथ ही साथ अपने डाउनलाइंस को भी, अपने टीम को भी शॉपिंग करने के लिए प्रोत्साहित करो। क्यों? क्योंकि गाइस देखिए, यहाँ पे हम लोग जो है कंपनी के सोशल मीडिया एप्लीकेशन को, यानी कि इंडियन सोशल मीडिया एप्लीकेशन को तो प्रमोट कर ही रहे हैं। ठीक है, और उनसे हम लोगों को जो अच्छा खासा बेनिफिट भी मिल रहा है, जितना ज़्यादा प्रमोट करें उतना ज़्यादा बेनिफिट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों को क्या करना है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन के साथ साथ हम लोगों को यहाँ पे ई कॉमर्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है। क्योंकि ई कॉमर्स भी जो है ये इंडियन ई कॉमर्स है, जैसे कि आपको पता है फ्लिपकार्ट अमेज़न ये इंडियन नहीं है। तो हम लोगों को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गाइस देखिए, अगर हम लोग जितना ज़्यादा यहाँ पे शॉपिंग करेंगे उतना ज़्यादा कंपनी को अर्निंग होगा, कंपनी को अर्निंग होगा तो कंपनी वो पैसा हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता है, इनकम सोर्सेज हम लोगों के लिए ज़्यादा ला सकता है। ठीक है, तो यहाँ से जो अभी बहुत कोई ये बोलेंगे कि यहाँ पे जो है प्राइस बहुत ही हाई है, ठीक है, कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट इसीलिए हाई है कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स है मैक्सिमम जो है यहाँ पे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की हाई प्राइस जो है बहुत हाई होते हैं, आप लोगों को पता होंगे। ठीक है, और जो नॉर्मल होते हैं वो 200 300 400 में मिल जाते हैं अवेलेबल, लेकिन यहाँ पे जो है अभी सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही हैं। ठीक है, और धीरे धीरे जो यहाँ पे प्रोडक्ट लो प्राइस के भी ऐड होंगे तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है ये पोर्टल अभी अभी यहाँ पे इंटीग्रेट हुआ है तो धीरे धीरे टाइम लगेगा ये सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे जो है लिस्ट करने में। ठीक है, तो लो प्राइस के प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे धीरे धीरे ऐड हो जाएंगे। तो अभी क्या कर सकते हैं, अब जो प्रोडक्ट है 1200 के ऊपर आप ले सकते हैं, यहाँ पे परचेस कर सकते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट तो बहुत सारे नहीं है लेकिन जो भी है उसमें से आपका चॉइस का भी हो सकता है, आप वहाँ पे चेक करके 1200 का ऊपर पे कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे परचेस कर सकते हैं, तो आपका कूपन कोड जो है वो रिडीम हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी वीडियो का एंड में बताऊंगा भी आपको कैसे किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप वो कूपन को यूज़ करके शॉपिंग भी करना है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे मैं बता दिया आपको कि आपको क्यों जो है यहाँ पे ई कॉमर्स को भी यूज़ करना है। तो एंड इससे बढ़कर भी और एक चीज़ है जो ई कॉमर्स से जुड़कर है, तो वो है गाइज रीपर्चेज इनकम। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब आप मेंबर लॉगिन करके आप साइट पे लॉगिन करोगे तब आपको मेन वॉलेट, शॉपिंग वॉलेट एंड रीपर्चेस इनकम का एक ऑप्शन मिलता है। तो रीपर्चेस इनकम बेसिकली क्या है, अगर आपके डाउनलाइन या फिर आपके टीम पर भी कोई भी शॉपिंग करता है तो उससे आपको यहाँ पे बोनस मिलने वाला है। ठीक है, कितना परसेंट मिलेगा ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, इसका भी चार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है सूत्र के अनुसार, खबर के अनुसार। ठीक है, और जो है यहाँ पे आपको वेट करना है रीपर्चेस इनकम के लिए, क्योंकि गाइस रीपर्चेस इनकम में यहाँ पे आपको 21 लेवल तक का इनकम मिलने वाला है, आप समझ सकते हो। यानी कि अगर आपका वहाँ पे आपको सोशल मीडिया यूज़ करके एंड लोगों को प्रमोट करके जो पैसा मिल रहा है उससे भी डबल या फिर उससे भी कई गुना ज़्यादा यहाँ पे आपको मिल सकता है ना। क्योंकि रीपर्चेस इनकम पे सिर्फ 7 लेवल तक के नहीं बल्कि यहाँ पे आपको 21 लेवल तक का इनकम आपको जो है यहाँ पे हर रोज़ मिलते जाएंगे, जितने ज़्यादा शॉपिंग करेंगे आपके टीम से उतना ज़्यादा आपका इनकम
मिलते जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करना है। अगर आप शॉपिंग करते तो आपको देख करके आपके डाउनलाइन करेंगे, उसको देख करके उनके डाउनलाइन करेंगे, तो इस तरीके से शॉपिंग को भी हम लोगों को कंटिन्यू करना है, ठीक है। हालांकि प्राइस थोड़ा सा हाई है, लेकिन धीरे धीरे जो है यहाँ पर लो प्राइस के प्रोडक्ट्स भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि किस तरीके से आप जो है 1200 रुपये का जो कूपन कोड मिलता है उसको रिडीम कर सकते हैं, यानी कि उसको यूज़ करके यहाँ पे आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइस शॉपिंग करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर साइट पे लॉगिन करना है, मेंबर लॉगिन करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई से भी ब्राउज़र ओपन करके सर्च कर लेना है osmostech.com, ठीक है। मैं यहाँ पे लैपटॉप में दिखाने वाला हूँ ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा हो, अदरवाइज़ आप अगर मोबाइल पे कर रहे हैं तो आपको सेम चीज़ें सर्च करना है osmostech.com एंड आपको 3 डॉट दिख रहा है ऊपर, उसको क्लिक करके डेस्कटॉप साइट कर देना है। अभी मैं जो भी बताऊँगा वो सेम टू सेम दिख रहा होगा आपके भी स्क्रीन पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, तो लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे एंड देन सिंपली आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है और फिर से एक बार आपको डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। अब शॉपिंग करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे साइड पे ऑप्शन दिख रहा है एक शॉपिंग का, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। शॉपिंग पे क्लिक करते गाइस आप जो है शॉपिंग वाले पोर्टल पे इनडायरेक्ट हो जाते हो। यहाँ पे आप शॉप बाय कैटेगरी कर सकते हैं, यानी कैटेगरी को चूज़ करके आप शॉप कर सकते हैं, अदरवाइज स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे कोई भी बैकपैक लेना है, अभी मैं एक बैकपैक लेके आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो सपोज़ मुझे ये वाला बैग अच्छा लगता है या फिर इसको मुझे परचेस करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है। बैकपैक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ प्राइस आप देख सकते हो 2450 रुपया है इसका प्राइस, ऑसमोस का प्राइस। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे साइजेस और कलर वगैरह चूज़ करना है जो भी प्रोडक्ट आप लेते हो, एंड सिंपली आपको ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देना है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्रोडक्ट है एंड यहाँ पे ई वाउचर जो मेरा है 1200 रुपये का वो अप्लाई हो चुका है। वो अप्लाई होके मुझे अभी यहाँ पे आप देख सकते हो 1689 हो चुका है मेरे यहाँ पे पेबल अमाउंट। अभी जो यहाँ पे कुछ आपको TDS कुछ आपको यहाँ पे चार्जेस वगैरह भी पे करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपको एड्रेस आपका आएगा, तो यहाँ पे अपना एड्रेस को सही से बिल्कुल सही से फिल कर देना है, ठीक है। एक आपको एक्यूरेट एड्रेस देना है यहाँ पे, गलत एड्रेस नहीं देना, नहीं तो आपका जो डिलीवरी भी होने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो GST 440 एंड शॉपिंग चार्जेस मेरा यहाँ पे 120 रुपया लगा है, ठीक है। तो इसको टोटल अभी मुझे कितना 1809 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है, वो 1200 छोड़ करके, यानी कि वो 1200 अप्लाई होकर भी मुझे यहाँ पे 1809 रुपया पे अभी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे के तरफ स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, ठीक है गाइज। यहाँ पे बेसिकली दो ऑप्शन होते हैं पे करने का, एक होता है गाइज यहाँ पे सिंपली ऑनलाइन पेमेंट, यानी कि जो आपका 1809 रुपया है मतलब आपके कूपन कोड छोड़ के भी बाकी के जो पैसा है उसको आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, और एक ई वॉलेट के थ्रू कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट से अगर करना है तो सिंपली ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है आपको, प्रोसीड टू बाई करना है तो पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा, वहाँ से आपको गूगल पे UPI क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड किसी से भी आप पे कर सकते हैं, सिंपली पे करके आप शॉपिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे ई वॉलेट का ऑप्शन है, यानी कि आप जो भी इनकम कर लो यहाँ पे, ठीक है, वो इनकम से आप किस तरीके जैसे यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। तो मैं यही चीज़ आज को आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि आपका जो भी इनकम है बाकी का पैसा आप वहाँ से कैसे पे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे मैं आपको बता दूँ ये चीज़, ठीक है, आप समझ लेना इसको कि आपको यहाँ पे जो मेन वॉलेट में जब आप इनकम करते हो वो आपका पैसा मेन वॉलेट में आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको मेन वॉलेट से शॉपिंग नहीं कर पाओगे, आपको शॉपिंग वॉलेट से शॉपिंग करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको अपने लॉगिन करना है, लॉगिन करके जो यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन दिख रहा है वॉलेट का ऑप्शन पे जाके आपको यहाँ पे मेन वॉलेट टू शॉपिंग वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देना है, तो आपका जो है 5% ऐड करके आपको ट्रांसफ़र कर देना है सिंपली, ठीक है, क्योंकि 5% डिडक्ट होता है। उसके बाद प्रोसीड टू बाई कर देना है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देखा आपने, ठीक है। तो मैंने 1900 यहाँ पे जो है ट्रांसफ़र कर दिया, अभी सिंपली क्या है आपको यहाँ पे शॉपिंग वॉलेट ऑलरेडी ऑलमोस्ट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है वॉलेट का आपका जो पासवर्ड है, ठीक है, वॉलेट का पासवर्ड यानी कि लॉगिन का जो पासवर्ड है उसको आपको यहाँ पे दे देना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा। एंड देन यहाँ पे पहले आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है, ठीक है। वैलिडेट पे क्लिक करके यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिया जा रहा है वो कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल कर लेना है, ठीक है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे जो सिंपली यहाँ पे OTP आ जाता है आपके यही मोबाइल नंबर पे, यहाँ पे जनरेट OTP का ऑप्शन आ जाएगा। अभी आप मैं पहले फिल कर लेता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए जनरेट OTP का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। बेसिकली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपके जो मोबाइल नंबर है, जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे दिया है,
तो वो मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। सिंपली ओटीपी को आपको यहाँ पे दे देना है। ओटीपी को देने के बाद यहाँ आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके प्रोसीड टू बाई कर देना है सिंपली। ठीक है, तो फटाफट से मैं यहाँ पे देख लेता हूँ ओटीपी मेरा जो आता है। तो मैं यहाँ पे ओटीपी आ चुका है, अभी सिंपली मैं यहाँ पे अपना ओटीपी को यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, ओटीपी देने के बाद यहाँ पे आपको जो है आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे प्रोसीड टू बाई सिंपली आपको कर देना है। ठीक है, तो प्रोसीड टू बाई करते ही गाइज जो यहाँ पे इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ रहता है थैंक यू, ठीक है, आपने यहाँ पे शॉपिंग किया इसलिए आपको यहाँ पे थैंक यू का मैसेज आ चुका है। अभी ये आपका जो है शॉपिंग हो चुका है। ठीक है, लेकिन अभी आपको इसको कैसे देखना है कि ये जो है ऑर्डर हुआ है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको वो चेक करने के लिए सिंपली डैशबोर्ड पे आना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे चला आता हूँ। पहले डैशबोर्ड में आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे माय ऑर्डर का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो माय ऑर्डर पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी अभी मैंने जो प्रोडक्ट यहाँ पे परचेस किया उस वो जो है यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, यानी कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो ऑर्डर हो चुका है। ठीक है, तो मैंने सही से एड्रेस वगैरह सब कुछ फिल कर दिया। आपको भी सही से एड्रेस वगैरह सब फिल करना है, तो आपका जो है वो प्रोडक्ट एक्यूरेट आपके एड्रेस पे आ जाएगा। ठीक है, अब कितने दिन पे ये प्रोडक्ट आता है तो उसको उसके वो मैं आप लोगों को इसी वीडियो का मैसेज पे बता दूंगा। ठीक है, कमेंट पे बता के उसको पिन कर दूंगा, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कितने दिन पे यहाँ पे जो है आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आप इसका हिस्ट्री भी जाके देख सकते हो, वॉलेट पे जाके शॉपिंग वॉलेट डिटेल्स पे जाके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से जो डिडक्ट है डिडक्शन हुआ है मेरा अभी जो मैंने बैग परचेस किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1809 रुपया जो मेरा यहाँ पे डिडक्ट हो चुका है शॉपिंग वॉलेट से। उससे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे मैंने मेन वॉलेट से शॉपिंग वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लिया था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान से करना है, आपको 5% ज़्यादा करके ही आपको जो है अपने शॉपिंग वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि 5% यहाँ पे चार्जेस कटते हैं अगर आप अपने मेन वॉलेट से शॉपिंग वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हो तो। ठीक है, बस गाइज यही था। उम्मीद करता हूँ आप 100% समझ गए कैसे आपको यहाँ पे शॉपिंग करना है और बाकी के पैसे भी आपको किस तरीके से अपने शॉप वॉलेट से जो है पे करना है। अगर वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि उन लोगों को ये सारे चीज़ें जो है सही से समझ आ जाए किस तरीके से शॉपिंग करना है, किस तरीके से जो है बाकी के पैसे भी खुद के वॉलेट से यूज़ करके यहाँ पे करना है, तो वो सारे चीज़ वो लोग सही से समझ पाए। ठीक है, तो गाइस तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।